हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे एंड हट्टे कट्टे होंगे। आज की रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा खास और आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स, सूजी हुई आईज, जो पफी आईज होती है वो, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, काले घेरे और आंखों के जो आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, हम उस पर बात करेंगे। बहुत 30 प्लस या आफ्टर 25 प्लस क्या होता है, हमारी स्किन के आसपास डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज होने लगती है और स्किन के आसपास जो है ना ड्राई स्किन पफी होने लगती है और आँखों की स्किन के आसपास झुर्री आने स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपका एजिंग प्रोसेस जो हो चुका है स्टार्ट। तो अगर आपसे अभी से अपने स्किन को केयर नहीं करेंगे, अच्छे से कोई हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करेंगे और अच्छा स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करेंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा और ख़राब हो सकती है। तो आज की रेमेडी होने वाली है खास, और अगर आप चाहते हैं मेरे व्लॉग्स देखना तो आप मेरे सोनी वर्ल्ड व्लॉग्स को आप जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग्स मिलेंगे जिसकी मैं पर्सनल मेरी वीडियोज़ शेयर करती हूँ, क्या करती हूँ पूरे दिन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मस्ती एंड एंटरटेनमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है दोनों चैनल को तो बहुत ज़्यादा प्यार एंड थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डार्क सर्कल्स, काले घेरे, आँखों के नीचे पफी आइस और जो सूजन आ जाती है, आँखों के आसपास की स्किन लूज हो जाती है, आँखों के पास जो है आपकी लाइंस, फाइन लाइंस, जो बिल्कुल बारीक लाइंस आनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करें, बहुत इजी स्टेप है, तो जल्दी से कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड ये रेमेडी पर आना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी स्किन से, आपकी आपके पूरे फेस से डार्क स्पॉट्स, यानी कि आपकी आंखों के नीचे स्पेशली काले घेरे पड़ चुके हैं, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, डिप्रेस्ड है, और आजकल हम सबसे ज़्यादा टीवी, स्पेशली फ़ोन के आगे, तो फ़ोन तो हमारी आँखों से हटता ही नहीं है, स्पेशली मैं भी फ़ोन में सारा दिन लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी होती है, वीडियोज़ को अपलोड करना होता है, वीडियोस बनानी पड़ती है, तो स्क्रीन पे मैं हमेशा ही रहती हूँ, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरी आईज़ के नीचे ना कोई भी डार्क सर्कल्स, कोई पफीनेस, कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे ना रात को भी बहुत बार उठना होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, आप एक हेल्दी डाइट लें, एक प्रोटीन और एक फाइबर रिच डाइट लें, विटामिन सी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी एंटी एजिंग, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ना, वो हमारी बॉडी से एजिंग साइंस को कम करती है, यानी कि एजिंग साइंस को थोड़ा सा रोक लेती है, स्टॉप कर देती है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कौन से फ्रूट्स लें, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स लें जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो कि आप अपने 30 के बाद ले सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स, पफी आइस, आँखों के नीचे सूजन, आँखों के आसपास काले घेरे और हमारी आँखों के आसपास की स्किन लूज होने लगती है, यानी कि यहाँ पे लाइंस आने लग जाती है बारीक बारीक, उसके लिए क्या करें हम। बहुत सारे मेरे पास मेल्स आते हैं कि मैम हमारी आँखों के नीचे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं, आँखों के ऊपर काले घेरे पड़ चुके हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, आँखों से हमारी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो आँखों के आसपास की स्किन मैं बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है हमारी, जो स्किन की जो और बॉडी पार्ट्स होते हैं स्किन के, हमारी आँखों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए जब भी हम कोई फेस पैक लगाते हैं ना तो आँखों के नीचे हम नहीं लगाते, ये एरिया हम छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको दो स्टेप्स बताऊँगी जिससे कि आप अपने काले घेरे, यानी कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं आपके आँखों के नीचे, जो पफी आइस यानी कि सूजन लगती है बहुत ज़्यादा आँखों के, और आपकी आँखों के आसपास की स्किन लूज होने लग गई है, और आपके आसपास जो आँखों के आसपास है ना फाइन लाइंस, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक झुर्रियाँ टाइप आनी स्टार्ट हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स वो है एलोवेरा, बिल्कुल कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ पैसे आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आई सीरम्स आते हैं, आई बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं आई डार्क सर्कल दूर करने के लिए, जो कि बहुत महंगे होते हैं, 1500, 2000, 3000, 4000, क्यों खर्च करें, जबकि हमारे पास एलोवेरा जेल है, जो कि एकमात्र ऐसी चीज़ है ना जो कि हमारे डार्क स्पॉट्स, काले घेरे को कम करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है, और ये हमारी स्किन को, ये जो होता है ना आइस के हमारे आँखों के आसपास का एरिया, उसे भी ये हाइड्रेट करती है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है एलोवेरा जेल,
कुछ नहीं करना, बस हमको इसको अपनी आँखों के नीचे अच्छे से रब करना है और कुछ फालतू का काम आपको नहीं करना। बस ये लें और अपनी आँखों के नीचे बहुत जेंटली बहुत जेंटली। और अगर आपके आँखों के नीचे पफीनेस यानी कि आँखें बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, आँखों के आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा सूजी सूजी लगती है हमेशा ही, तो आप इसे क्या करें, 5 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दें। तो क्या होगा, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर आप लगाएं। तो ये मैं फ्रिज से ही निकाल के लाई हूँ, अभी तो फ्रिज में ही रखा था तो इसलिए काफ़ी ठंडा है। तो आँखों के नीचे आप इसे 5 मिनट तक जेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते रहें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको आँखों के नीचे ही मसाज करनी है, आप चाहें तो अपनी पूरे फेस पे इसे लगा सकते हैं, कोई आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और नेचुरल मॉइस्चराइज करता है। यानी कि हमारी स्किन में जो जितनी पानी का लेवल होगा ना, उतनी हमारी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा यंग लगेगी। तो इसको मैं अपनी आँखों के नीचे लगा रही हूँ, आप चाहें तो पूरे फेस पे लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं होगा इसका। तो आपको अपनी आँखों पे इसे लगाना है ऐसे। फ्रेंड, मैंने लगा लिया है एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं स्किन ने मेरी एब्जॉर्ब कर लिया है और स्किन नेचुरली ग्लोइंग लग रही है मेरी। इससे पहले मैंने एक फेस पैक शेयर आपसे शूट किया है, मैं बैक टू बैक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखना। अभी बस वही लगाया अपने फेस पर, ही एलोवेरा जेल लगाया, तो स्किन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी लग रही है, ब्राइटन अप लग रही है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नेचुरल रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ आपके साथ। तो अब जब ये जो प्रोसेस है ना, आपको रात को ही करना है सोते वक्त, क्योंकि सोते वक्त हमारी ब्यूटी जो बॉडी पूरी स्किन रिकवर होती है। ठीक है, हमने लेना है वाइटामिन ई ऑयल, वाइटामिन ई के कैप्सूल है तो आप वो ले सकते हैं, मेरे पास फिलहाल ऑयल है, मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास वाइटामिन ई ऑयल नहीं है तो उसके मैं आपको अल्टरनेट बताती हूँ, सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। आप इसकी जगह बादाम का तेल ले सकते हैं, क्योंकि बादाम के तेल में भी वाइटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। वाइटामिन ई में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि एलोवेरा में भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, वो हमारी बॉडी से एजिंग साइंस को कम करता है। जैसे कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, एप्पल में होता है, कैरेट में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जो कि मैं अगली वीडियो में कवर अप करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमें लेना है ये, हम मैं आपको आई मसाज बता रही हूँ, हमें लेना है थोड़ा सा अपने हैंड्स पे ऑयल। और हमें क्या करना है, जो ये हमारी रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली फिंगर, इससे हमें करनी है आईज पे मसाज अपवर डायरेक्शन में। अगर आपकी आईज के आसपास की स्किन लूज होने लग गई है और आपकी आँखों के नीचे पफीनेस है, तो ये मैंने अपने आँखों पे, दोनों आँखों पे लगा रही हूँ ऑयल। फिर मेरे को क्या करना है, इस रिंग फिंगर से ना हमको जेंटली ऐसे अपवर डायरेक्शन में मसाज करनी है। ऐसे अपने आपको आई लिड्स पे आपको ऐसे ही इसको मसाज करनी है। अब इस फिंगर से क्यों, क्योंकि एज आई अर्लियर सेड कि मेरे आँखों के, जो हमारी आँखों के आसपास की स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लूज होती है, सॉरी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो इसलिए इस जो फिंगर का प्रेशर होता है ना, बहुत लाइट होता है हमारी स्किन पे, बहुत जेंटली करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि हमारी स्किन आँखों के आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो आपको ऐसे ही इसको अपर डायरेक्शन में मसाज करते रहना है और ऐसे ही इसको कम से कम 5 मिनट तक आपको मसाज करते रहना है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में। और फिर मैंने कर लिया है मसाज और आप देख सकते हैं जितना भी मैंने ट्रीटमेंट किया था एलोवेरा एंड वाइटामिन ई ऑयल का, वो हमारी स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, आप अब सो जाएं। और रोज़ आपको ये ट्रीटमेंट करना है अपनी आँखों के नीचे, ज़रूरी नहीं है कि आँखों के नीचे बताया। अगर आप चाहते हैं कि एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन, बस आपको जो मैंने अब 2 स्टेप्स बताए हैं ना, वो कर लो। ज़रूरी नहीं कि मैंने आँखों के नीचे बताया तो आँखों के नीचे ही करना है, नहीं, आप पूरे फेस पे कर सकते हैं। और अगले जो मैं बहुत सारे वीडियोस में जो लाने वाली हूँ ना टॉपिक्स, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉपिक्स, एक तो स्किन वाइटनिंग, दूसरा आता है एंटी एजिंग स्किन केयर, वो भी मैं बताऊँगी कि क्या मसाज करने चाहिए जिससे कि हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको रोज़ करना है। आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना,
आपको 1 मंथ में, वैसे 1 वीक में आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो तो रहा है आपकी स्किन पे, बट 1 मंथ में आपको विजिबल रिजल्ट, यानी कि सब आपको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ज़रूर ट्राई करना, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो फ्रेंड आई होप मेरा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे पूरी स्किन पे, अपने पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, कोई इसका हार्म नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। तो ज़रूर ट्राई करना और इस वीडियो को और ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे जो सोनी वर्ल्ड ब्लॉग्स चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स लगेंगे, ज़रूर ट्राई आप ज़रूर देखना, क्योंकि बिल्कुल मैं नेचुरल तरीके से बनाती हूँ, कोई बनावटी ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। जो भी मैं अपने दिनचर्या डेली जो रूटीन होता है ना, जो मैं करती हूँ बीच बीच में वो करती हूँ, रात में बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी करती रहती हूँ जितना मुझसे होता है। सो उसे भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे कि इस चैनल को आपने प्यार दिया है, उतना ही प्यार आपको उस चैनल को भी देना है। सो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ और व्लॉग्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय सोनी वर्ल्ड चैनल, व्लॉग चैनल एंड सोनी वर्ल्ड व्लॉग चैनल और सोनी वर्ल्ड बोथ चैनल। तो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।